विजय उपाध्याय सर, जिन बातों की चर्चाएं हो रही हैं, ये जो सारे मुद्दे सामने आ रहे हैं, क्या बात करते हो? इसमें से किस किस मुद्दे का असर निकाय पर पड़ने वाला है? अरे इनकी कौन सी बात है, ये सुबह क्या कहेंगे, शाम क्या कहेंगे, रात में क्या कहेंगे, ठीक है अरुण जी से हम पूरा जवाब ले लेंगे। राजपाल जी, अरुण जी आते हैं आपके पास, एक बार विजय सर से बात कर ले। विजय, देखिए ये जो मुद्दे, जिन मुद्दों की चर्चा यहाँ हो रही है, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई असर नगर निगम के चुनाव पे होगा। नगर निगम के चुनाव, लोकल बॉडीज के चुनाव स्थानीय मुद्दों पे होते हैं, स्थानीय समीकरण के आधार पे होते हैं। ये तीन तरीके के इसमें नगर के जो सरकार बनती है, पहला टाउन एरिया यानी नगर पंचायत, दूसरा नगर पालिका परिषद, तो तीसरी नगर निगम। और 2017 में जब नोटबंदी और GST के बाद चुनाव हुए थे, BJP का दबदबा नगर निगम और नगर पालिका से आगे बढ़ के नगर पंचायतों तक पहुंच गया। उस समय सपा की सरकार थी और शहरों में वैसे भी BJP का दबदबा हमेशा रहा है, नगर निगमों में खास तौर पे और नगर पालिकाओं में भी इनका काफी जबरदस्त वर्चस्व रहा था। लेकिन 17 में तो इन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आगे जो अभी चुनाव होने वाले हैं, इसमें जो मूलभूत एजेंडे हैं उस पर किसी ने डिबेट नहीं किया, यहाँ कोई चर्चा नहीं की। संविधान के 73वें 74वें संशोधन की जरूर कश्यप जी चर्चा कर रहे हैं। 73वां और 74वां संशोधन जो है 93वें 94वें में किया गया था और 95वें में पहला चुनाव उसके आधार पर पंचायतों के हुए थे। तो ये सब चीजें जनता भूल चुकी है। रिजर्वेशन क्या है वो लोगों के सामने आएगा, रिजर्वेशन है कि नहीं है वो लोगों के सामने आएगा। अरुण राजभर एक ऐसी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं जो बहुत ज्यादा एक्टिव है और बहुत ज्यादा जनता के बीच में मौजूद रहती है। और ये जो बात अरुण राजभर कहते हैं, इनके दावे पे भरोसा करना पड़ता है, क्योंकि इनकी पार्टी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है उत्तर प्रदेश में, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। कांग्रेस बहुत पीछे है इनकी पार्टी से, और तो ऐसी जो छोटी पार्टियां हैं उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, खासतौर पर टाउन एरिया के जो चुनाव हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के वहां पे। और वहां पे अगर राजभर की पार्टी कुछ ज्यादा सीटें जीते या अच्छी मौजूदगी दर्ज कराए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। समाजवादी पार्टी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है जो 2017 में उन्होंने खोया था, खासतौर पर नगर पालिका परिषद और नगर पालिका पंचायत में। क्या उसे रिकवर कर पाएंगे या उसमें जो है इनके पास उससे भी गंवा देंगे, उससे भी नुकसान उठाएंगे? तो ये जो मुद्दे हैं, वो जो डिबेट यहाँ हो रहा है, इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। वहां के मुद्दे बिल्कुल अलग हैं। और जो महंगाई है वो जरूर एक इशू हो सकता है, लेकिन हमने ये देखा कि जब GST और नोटबंदी के बाद शहरों में BJP ने दबदबा कायम किया, तो महंगाई के बाद 2022 के चुनाव हो गए, तो मुझे लगता कि ये कोई असर डालेगा। सवाल है निकाय चुनाव का, और अरुण राजभर जी आपके पास आ रहे हैं। जो बात विजय उपाध्याय सर ने कही है, ये तो मतलब आपकी पार्टी के लिए बड़ी अच्छी टिप्पणी है, कोई वरिष्ठ पत्रकार ऐसी तारीफ कर दे, उत्साह तो आपका बढ़ा है। लेकिन ये बताइए कि इस टक्कर में किसी का साथ आप क्या बिल्कुल नहीं लेंगे, 2024 में साथ के बारे में सोचेंगे? देखिए, मैं पहले तो आदरणीय उपाध्याय जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि वो ग्राउंड जीरो की जो हकीकत है वो जनता के सामने रखते हैं। स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी हमेशा से जनता के बीच में रहती है, ये फैक्ट है, क्योंकि हम लोग TV और ट्विटर की राजनीति नहीं करते, हम YouTube की राजनीति नहीं करते हैं। और जो लोग ट्विटर और TV और YouTube की राजनीति करते हैं, आज वो समाप्ति की तरफ जा रहे हैं। बड़ी बड़ी बात करना राजपाल जी की तरफ जा रहा है क्या आपका, उनकी पार्टी के तरफ? वो बड़ी बड़ी बात कर सकते हैं भैया, वो अपने जिले में एक सीट नहीं जीतवा सकते हैं, एक पर अपने बूथ पर सपा को नहीं जीतवा। राजपाल जी, एक आखिरी रिएक्शन, आपका वक्त है, मैं इस पर जवाब दे दीजिए। मैं पिछड़े वर्ग का अध्यक्ष हूँ, इनके साथ पिछड़े वर्ग जब ये रहे हैं उनके साथ, अति पिछड़ों को राजनीतिक भागीदारी। राजपाल जी, वक्त एकदम नहीं, आप अपने बात पूरी अपने विधानसभा चुनाव में अति पिछड़ों को भागीदारी राजनीति ऐसा है ये सोहेल देव, ये राजभर जी जो बोल रहे हैं, ये बैंडवाजा पार्टी है। जैसे शादी बारात से पहले बुक कराया जाता है और जो एडवांस दे देता है उसका बजाने लगते हैं, तो ये कोई पार्टी थोड़ी ना, ये बैंडवाजा पार्टी है। और BJP ने एडवांस दे दिया होगा, उनका बजाने लगे। अच्छा, आपने कितना एडवांस दिया था राजपाल जी? अरे अभी आपकी पार्टी लड़ी थी चुनाव, अभी रामपुर में चुनाव लड़ी थी आपकी पार्टी, अभी आपकी पार्टी लड़ी थी वहाँ पे मुजफ्फरनगर में चुनाव, रोटा से भी कम पाए हो वो, रोटा से भी आपकी हैसियत कुछ नहीं अकेले। ठीक है, सियासी बात में इस बार चलता रहेगा, लेकिन सब बीच चुनावी गहमा गहमी बढ़ गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ये पूरी तस्वीर है निकाय की, नॉकआउट रेस में सियासत कहाँ पहुंच गई है, अंदाजा आपने लगा लिया होगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।